हाल चाल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मनाली मॉल रोड जा रहा हूँ। ऑर्चर्ड करके जगह का नाम है जहाँ मैंने अपना होम स्टे बुक किया था। बहुत ही अच्छी जगह है एंड बहुत ही पीसफुल एरिया है, और यहाँ से लैंडस्केप बहुत ही मस्त मस्त दिखते हैं, खासकर माउंटेन्स का बहुत ही अच्छा व्यू आता है बालकनी से। व्यू देखिए कितना प्यारा है। सो कल रात को बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई रात को। टेम्परेचर हो रहा है यहाँ, अभी चेक करते हैं टेम्परेचर यहाँ का। टेम्परेचर हो रहा है 11। लद्दाख जाना है, कोई कह रहा है कि रास्ता खुला है, कोई कह रहा है नहीं खुला। चलो उसका बाद में देखते हैं। चलो निकलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से एंड चलते हैं मनाली बॉर्डर रोड। बहुत ही ठंड हो रही है मनाली में, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। सोलो ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो आप नए नए लोगों से मिलते हो, और जो भी प्लानिंग करनी है आप खुद अपने आप से करते हो, आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड रेस्ट, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सामान वगैरह चेक कर लिया करो, कभी कभी ब्लैंकेट के नीचे भी कुछ ना कुछ सामान रह जाता है। 11:30 हो रहे हैं, एक घंटा लगाएंगे मनाली में, उसके बाद वहाँ से जाऊँगा मैं सोलांग वैली, वहाँ एडवेंचर करते हैं, देखते हैं क्या क्या एडवेंचर वहाँ चल रहा है। चलो जी, चेकआउट का टाइम है, मिलते हैं आपको मनाली मॉल रोड। तो आज तारीख है 8 अप्रैल 2021, और अभी भी सोलांग वैली में बर्फ़ पड़ रही है। टाइम हो गया 1 बजे का और मैं निकल रहा हूँ सोलांग वैली के लिए। मैंने सूट ले लिया है, पहले मैंने पीछे से लिया नहीं था, मैंने सोचा बर्फ़ पड़ेगी या नहीं, बर्फ़ होगी या नहीं होगी, तो अब ले लिया मैंने। सोलांग वैली की तरफ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। सोलो भी आओ तभी भी बहुत मज़ा है, ज़रूरी है ग्रुप में आके मज़ा, सोलो भी आप काफ़ी मज़े कर सकते हो।
में यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नीचे पूरा स्नो ही स्नो, पूरा स्नो एरिया है, पूरा स्नो। मतलब हिमाचल में एडवेंचर ही एडवेंचर है, ढेर सारा एडवेंचर है। चलो मैगी कर दो, बटर वाली हो जाएगी, बटर वाली भी हो जाएगी, एक बटर वाली मैगी कर दो और एक चाय कर दो। ठीक है, ठीक है, ठंड नहीं है। लो अब कर रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, जिप लाइन। अभी रिकॉर्डिंग ऑन। इतनी स्पीड वाली शाम को और ज्यादा स्पीड होगी। शाम को कितने बजे है ये? 6:30 बजे तक छोड़ आ सकता हूँ। ओके, थैंक यू। बहुत ही फास्ट जिप लाइन थी ये, 500 मीटर की जिप लाइन है। पहले मैंने की है कोई 200 मीटर की, कोई 300 मीटर की, 100 मीटर की, 500 मीटर वाली की, मजा आ गया, बड़ा एक्सपीरियंस था। ये 100 रुपए। अब जा रहे हैं नीचे पार्किंग की तरफ। तो हमारे ये भाई ने आज हमें पूरा एंजॉयमेंट करवाया, पूरा एडवेंचर करवाया हमें, मजा आ गया। हेलो, देखिए भाई, थैंक यू सो मच। मैंने अभी स्टार्ट किया ना,
पर्सनल गाड़ी चले जाएगी, जाएगी। मुझे आगे निकलना है जम्मू यार। जम्मू बंद है सर। जम्मू के लिए कौन सा रास्ता? मंडी से होगा, मंडी हो के नगर पालमपुर। ये वाला तो बंद है सर। तो ये दो चार दिन में नहीं खुल जाएगा? दो चार दिन नहीं खुलेगा बड़े भाई। आज 8 तारीख है, आज 8 है ना, 15 तारीख को खुलेगा। बड़ा परेशान हो बड़े। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिशु, जो मनाली से लगभग 37 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड लगभग मुझे 40 से 45 मिनट लगेंगे। मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी स्नो आपको देखने को मिल सकती है एंड काफ़ी आप एक्टिविटीज़, काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप वहाँ कर सकते हो। चलो निकलते हैं। उसके लिए हमें अटल टनल क्रॉस करनी पड़ेगी शिशु जाने के लिए, तो इसी बहाने अटल टनल भी देख लेंगे। उसके तो टनल अभी क्लोज है, 12 बजे के आसपास खोलेंगे। अभी बजे हैं 11:10 हो रहे हैं, तो मुझे वेट करना पड़ेगा अभी 50 मिनट और आगे जाने के लिए, शिशु की तरफ जाने के लिए। एंड शिशु के बाद जाके पता लगेगा कि हम ले मनाली से ले वाले हाईवे में कहां तक आगे जा सकते हैं, तो चेक करते हैं जाके। हाँ जी, इन दोनों को ऑफ कर दो और निकाल दो। निकाल दो? हाँ जी, ठीक है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। और भाई अंदर निकालना मत, अगर कैमरे में आके ना। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और लैंडस्केप देखो सामने का, मजा आ गया, दिल खुश हो गया दिल। तो अभी इस टाइम मैं सुशी में, क्या हो जाएगा भैया खाते में? ये घी, ये क्या? अंडे हैं, बॉइल्ड है, बॉइल्ड है, बॉइल्ड देसी अंडे। राजमा चावल हो जाएंगे? अच्छा, राजमा चावल कर दीजिए एक हाफ, एक हाफ कर दीजिए, बाकी बॉइल ऐड कर दीजिए। अच्छा, बॉइल्ड है कितना? दो कर दीजिए। तो मैं अभी पहुंच गया हूं यहाँ सुशी, ये मनाली से 37 किलोमीटर ऊपर है और ये स्नो पॉइंट भी किया जाता है, लेकिन अब तो यहाँ स्नो वगैरह मेल्ट हो रही है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ हेलीपैड भी है एंड बहुत ही मस्त जगह है। तो अब इसके बाद निकलेंगे यहाँ से, मनाली निकलता हूँ और वहाँ सीधा भीड़ की तरफ निकलूँगा। आज मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। Thank you.
सो अटल टनल क्रॉस करते ही शीशु से 3-4 किलोमीटर पहले आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। जैसे ही सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी आगे चला गया था। कहाँ से? लुधियाना। तो अच्छा अच्छा सो क्लोज हो गया, निकल रहे हैं अभी यहाँ से। ये काफी स्नो है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है पहले से। शिशु घूम के आ गए, मनाली पहुंच गए हैं। अटल टनल्स के काफ़ी रूल्स हैं, अगर आप उसमें, एक तो अपनी कार स्टॉप नहीं कर सकते, अगर आप स्टॉप करोगे तो सीधा सीधा आपको मनाली जेल में जाना पड़ेगा और आपकी गाड़ी बाउंड हो जाएगी। एंड आप उसके अंदर जाके वीडियो एंड अपना फ़ोन में कोई वीडियो वगैरह या अपने कैमरे में वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते कोई भी, ना अपनी गाड़ी में ना अपनी कार के अंदर डैशबोर्ड में कोई भी आप कैमरा नहीं लगा सकते। उसका भी चलान है, आपकी गाड़ी बाउंड कर दी जाएगी। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप अटल टनल के अंदर से जाओगे, खासकर आपको पुलिस वाले वहाँ पर अंदर जाने से पहले बताएंगे सब कुछ। सो ऐसी गलती मत करना। एंड बाकी बहुत ही शिशु काफ़ी अच्छा था, स्नो काफ़ी थी वहाँ पे, अब तो वहाँ स्नो मेल्ट हो रही है लेकिन